हेलो गाइस, आप जुड़े हमारे गुरुजीज भाग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, सुबह के बजे है 8 और मैं पिछले 5 दिन से गुजरात के टूर पर हूँ। तो फिलहाल हम गुजरात का जो पाटन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो सिद्धपुर तीर्थस्थल है, वहाँ घूमने के लिए आए हैं। मतलब यहाँ क्या क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। आध्यात्मिक रूप से ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 5 सरोवरों को विशेष रूप से महत्व है, जैसे कैलाश मानसरोवर, पंपा सरोवर, नारायण सरोवर और पुष्कर सरोवर। और इस 4 सरोवर के बाद ये जो यहाँ मातृगया में बिंदु सरोवर है, इसका विशेष महत्व है। और दोस्तों, इसी स्थान पर कपिल ऋषि मुनि के पिता करदक ने यहाँ 10,000 सालों तक तपस्या की थी और यही उनका आश्रम था। इसके शिवाय महान ऋषि परशुराम ने अपने माता का श्राद्ध भी विधि भी यहीं किया था। इसीलिए जो भी कोई जिनकी माता का निधन हो गया है, वो यहीं विधि करते हैं, जो कि इसके कारण उनके जो आत्मा है उनको शांति मिलती है। बाजू पे यहाँ जो धर्मशाला है, यहाँ हम रात को आए थे, मतलब 11 बजे जो कि द्वारिका से सफ़र करके यहाँ आए थे, यहाँ ठहरे थे। बिल्कुल सुबह फ्रेश होके हम यहाँ का जो मंदिर है वो आपको दिखाने के लिए बाहर पड़े हैं। और जो मुख्य मंदिर है इस बाजू पे है, यहाँ हमें अभी जाना है। भारत में बोधगया, मातृगया, बनारस, ऐसे कुछ चुनिंदा स्थानों पर ये विधि किया जाता है, मतलब पिंडदान किया जाता है। और यही ऐसा एक एकमात्र स्थान है, यहीं भी पिंडदान किए जाते हैं कि जिनके कारण जो भी अपने माता पिता हो, पूर्वज हो, उनके आत्मा के लिए शांति मिलती है। चलिए, हम आपको जो मेन मंदिर है वहाँ लेके चलते हैं। जो भी यहाँ पिंडदान करने के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत सारा इंतजाम यहाँ किया गया है, मतलब पंडित जी हो, और कंस्ट्रक्शन भी बहुत बड़ा बनाया गया है क्योंकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। मातृगया का ये मुख्य मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। और आगे है बिंदु सरोवर, आगे के हिस्से में करदम ऋषि भगवान का, देवहूति माता जी का, मातृगया भगवान का मंदिर और कपिल महामुनि का मंदिर, साथ में गया गदवीर भगवान का ही मंदिर है। मुख्य मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बाजू पे जो कोई पिंडदान करते हैं उनके लिए हॉल बनाया गया है, वहाँ पंडित जी सभी लोगों का क्रियाक्रम कर रहे हैं। भगवान की जय, रमणी महाराज की जय, देवहूति मात की जय, व्यागदाद्र भगवान की जय, नित्राण महाराज की जय, गोविंद माधव।
देख सकते हैं। साथ साथ इस पूरे इलाके के अंदर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, इससे ये खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इस स्थान के बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दी है, यहाँ का दर्शन भी किया है। वैसे तो हम बहुत बार आपको टूरिस्ट पॉइंट दिखाते हैं, तीर्थस्थल दिखाते हैं, लेकिन एक आज अलग ही जगह हमने इस व्लॉग के माध्यम से दिखाई है। तो आपको आज का ये व्लॉग कैसा लग रहा है, मतलब कैसा लगा, इसके बारे में अवश्य कमेंट दीजिए।